ठीक एक साल पहले एक एड आया था जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों मेगा स्टार साथ में नजर आए थे। इस एड का नाम विमल पान मसाला था। इस एड में पहली बार अक्षय कुमार की मौजूदगी दर्ज की गई। अक्षय, शाहरुख और अजय को साथ देख फैंस भी खुशी के मारे पागल हो गए थे। लेकिन इसके बाद जो बवाल हुआ वो शायद कभी अक्षय अपनी पूरी जिंदगी में भूल भी नहीं पाएंगे। अक्षय को आधी रात को लोगों से माफी मांगनी पड़ी और एक लिखित नामा भी लिखना पड़ा ये कहते हुए कि वो ऐसे एड दोबारा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार ने तो ये तक कहा कि विमल एड से जो पैसे उन्हें मिले हैं वो किसी चैरिटी में दे देंगे। लेकिन 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 एक साल बाद अक्षय ने फिर वही गलती दोहरा दी है। अक्षय फिर से लौट आए हैं अपने पार्टनर्स शाहरुख और अजय के साथ मसाला ब्रांड के इस एड में, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। अक्षय, शाहरुख और अजय का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान और अजय देवगन एक कार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कार के हॉर्न से अक्षय का ध्यान अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अक्षय वीडियो में हेडफोन लगाए हुए म्यूजिक एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात से अनजान दिखे कि शाहरुख और अजय उनका इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख और अजय की कई कॉल्स भी वो अनसुनी कर देते हैं। आखिर में अजय देवगन पान मसाला का एक पैकेट खोलते हैं जो अक्षय का ध्यान खींचने में कामयाब रहता है। इसके बाद तीनों साथ आते हैं और विमल का सिग्नेचर स्टेप करते हुए नजर आते हैं। बस फिर क्या था, वीडियो जैसे ही बाहर आया वैसे ही बाढ़ आ गई लोगों के ट्वीट्स की और उन ट्वीट से बह रहे उनके गुस्से की। लोग जमकर अक्षय को ट्रॉल कर रहे हैं और उनके नाम के आगे झूठा लगा रहे हैं। यहां तक कि लोगों का मानना है कि अक्की ने अपने फैन से किया हुआ वादा तोड़ दिया है और चंद पैसों के लिए वापस से गुटका एड संग कोलैबोरेशन कर लिया है। लेकिन आखिर इस एड का सच है क्या? क्या वाकई अक्षय ने ये एड अभी किया भी है या फिर इस नए एड का कोई पुराना कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षय ने लास्ट ईयर जब वो पहली बार अजय और शाहरुख के साथ इस एड में दिखाई दिए थे, ये एड उसी दौरान शूट कर लिया गया था। इंडस्ट्री से ऐसी खबरें आ रही है कि अक्षय ने 2 से 3 एड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसकी वजह से विमल के इस एड में अक्षय नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद दिला दे कि जब अक्षय ने पहले अपना माफीनामा लिखा था तब उन्होंने साफ बोला था कि वो पैसे चैरिटी कर देंगे, लेकिन फिलहाल वो इन एड्स में नजर आएंगे क्योंकि उनकी कुछ वर्क कमिटमेंट्स है। हालांकि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा वैसे ही अक्षय का पान मसाला वाले इस इलायची यूनिवर्स से पत्ता कट जाएगा। बाकी तो अभी अक्षय कुमार की सफाई के बाद ही ढंग से क्लियर होगा कि आखिर वो पान मसाला के इस दूसरे एड में क्या कर रहे हैं। लेकिन आपका इस पूरे एड पर क्या कुछ कहना है, शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।